कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने का बुकलेट जारी कर भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि केंद्र सरकार किसानों का कर्ज माफी नहीं करती, जबकि उद्योगपतियों का 1000 करोड़ का कर्ज मिनटों में माफ कर दिया। कांग्रेस हर प्रदेश में ब्लूप्रिंट लेके जा रही है। 3 साल बेमिसाल जो भाजपा की सरकार कह रही है, कांग्रेस पूछ रही है आखिर किस बात के 3 साल बेमिसाल। किसका जश्न किसान त्राहिमाम है। नौकरियां एक तो मिली नहीं, युवाओं को दूसरा उल्टा नौकरियां आईटी सेक्टर से जा रही है। बलात्कार अपने चरम पर है, आतंकवाद पर फेलियर है, कश्मीर मुद्दे पर फेलियर है और व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जीडीपी हमारी नोटबंदी से गिर चुकी है। शौचालय एवं स्वच्छता की बात के साथ कई योजनाओं की बात आपने की। कांग्रेस हर प्रदेश में ब्लूप्रिंट लेके जा रही है। 3 साल बेमिसाल जो भाजपा की सरकार कह रही है, कांग्रेस हर प्रदेश में जाकर यह पूछ रही है कि 3 साल आखिर किस बात के बेमिसाल, किसका जश्न। किसान त्राहिमाम है। नौकरियां एक तो मिली नहीं युवाओं को, दूसरा उल्टा नौकरियां आईटी सेक्टर में जा रही हैं। नोटबंदी से 45 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं। बलात्कार चरम पर है, अपराध चरम पर है, आतंकवाद पे आप फेलियर है, कश्मीर मुद्दे पर फेलियर है और व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। जीडीपी हमारी नोटबंदी के बाद 2% गिर चुकी है। शौचालयों की बात, स्वच्छता की बात, कई योजनाओं की घोषणा तो आपने की, लेकिन 3 साल बाद भी भाषण और आश्वासन ही मिल रहे हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत नहीं दिख रही है। तो इन्हीं बातों को लेकर हम लोग हर प्रदेश में जा रहे हैं। मैं 4 प्रदेश में गई, झारखंड गई, पंजाब गई, जम्मू गई, आज हमारा वाराणसी में था। तो मैं इस काशी नगरी को नमन करती हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हम लोग बस इतना चाहते हैं कि जो जश्न मनाया जा रहा है, ये लोगों को बता सके कि सही मायने में ये जो जश्न है, ये भाजपा सरकार की अपनी पार्टी का इवेंट मैनेजमेंट का जश्न है, ना कि लोगों को राहत पहुंचाने का जश्न। कई योजनाओं की बात भाजपा सरकार ने की, लेकिन 3 साल के बाद भी केवल आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन जमीन पर हकीकत देखने को नहीं मिल रही। इन्हीं बातों को लेकर प्रदेश में जा रहे 15 जून के बाद भी प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों की बात क्या करें, जब पीएम के संसदीय क्षेत्र की सड़कें पूरी तरह से खस्ताहाल है। लालू यादव द्वारा पत्रकार से दुर्व्यवहार मामले पर कहा कि किसी भी व्यक्ति को पत्रकारों के साथ गलत आचरण करने का कोई हक नहीं है, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो गलत है। जिस तरह से एक आपने वादा सुना होगा कि आज 15 जून है, इतफाक से आप इसी दिन आए भी हैं बनारस, पूरे यूपी को गड्ढा मुक्त होना था। आप खुद बनारस आइए, क्या देखा आपने पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र, कितने वादे पे ये? देखिए, अभी मैं 2 घंटे ही घूमी तो मुझे गड्ढे ही गड्ढे नजर आए। जब 2 घंटे में प्रधानमंत्री के क्षेत्र में गड्ढे हैं, तो निश्चित तौर से पूरे यूपी का हाल क्या है और क्या होगा वो अंदाजा आप 3 साल से भी लगा सकते हैं। क्या युवाओं को नौकरी मिल गई? क्या नोटबंदी के बाद काला धन आ गया? क्या किसानों की समस्या का हल हो गया? क्या एमएसपी 50% बढ़ गई? तो ये मात्र भाषण की सरकार है, जो प्रचार और प्रसार और विदेशों की यात्रा तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन गड्ढे भरने का काम, इनकी नीति और नियत में बहुत फर्क है। वो सिर्फ यूपी में गड्ढे ही नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी पहले अपने दिल के गड्ढों को और अपनी नीयत को स्वच्छ कर लें। अपने दिल के गड्ढों को अगर भर लें तो निश्चित तौर से आज नहीं तो कल कुछ गड्ढे भर जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान का जो संभावित मैच होना, उसमें बधाई दे रहे हैं पाकिस्तान। देखिए, मैं इसके लिए उन पे कमेंट ना करके भाजपा की सरकार पे कमेंट करूंगी। ये वही मोदी जी है जिन्होंने कहा था कि भाई हम चूड़ियां बैठ के नहीं बैठे हैं, अगर एक बार हम सत्ता में आ गए तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और उसके बाद हमने देखा वो केक खा कर आए और उनकी पत्नी को शॉल दे के आए। तो अगर प्रधानमंत्री इस तरह का होगा तो किस तरह का हम जवाब देंगे? सिर्फ भाषणों में नहीं, भाषणों में 56 का सीना नहीं, बॉर्डर पे हमें पाकिस्तान को 56 का सीना दिखाना है, जिसपे जो बीजेपी सरकार है वो फेलियर है।
आज तक कश्मीर 1992 से 97 में जितनी वर्स्ट सिचुएशन थी, उस वक्त भी जो कश्मीरी थे वो सरकार को गालियां देते थे, लेकिन वोटिंग के टाइम 63% वोटिंग होती थी। आज उससे वर्स्ट सिचुएशन कश्मीर में आई हुई है, 7% वोटिंग हो गई। ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर दिखाता है। जो व्यक्ति अपने कश्मीर को नहीं संभाल पाया वो पाकिस्तान को कितना संभालेगा, वो आप देख लीजिए, पूरा डेटा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है। मोदी साहब विदेश यात्रा तो बहुत कर रहे हैं, उसमें बहुत पैसे भी खर्च हो रहे हैं, ना पूंजी निवेश हुआ है और ना ही आतंकवाद का हल वो विदेशों से लेकर आए। इसमें अलगाववादी नेताओं का दोषी नहीं ठहराती है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी देखिए, ये आपकी स्टेटमेंट है। मैंने बोला ये टैकल सरकार को करना होता है। हम लोग यूपीए सरकार के वक्त भी अलगाववादी नेता थे और हम लोग जिस तरह से टैकल कर रहे थे, कश्मीर में शांति बहाल थी, इतनी वर्स्ट सिचुएशन कभी नहीं आए। इनसे अलगाववादी नेता कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं ये कहना चाहती हूँ।